को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2020 को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित हुआ। एक महीने बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला, देखिए पूरी रिपोर्ट। सागवाड़ा शहर में ठीक एक महीने बाद लॉकडाउन में ढील नजर आई। ज्ञात रहे सागवाड़ा शहर सहित इस पूरे क्षेत्र में एक भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को सुरक्षित माना जा रहा है। फिर भी यहाँ की कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगह पर सख्ती बरती जा रही है और व्यापारिक प्रतिष्ठान, मेडिकल, दूध डेयरी और सब्जी की दुकान खोलने की अनुमति है। इसी के साथ बड़गी में भी यही स्थिति देखने को मिली। कस्बे के मुख्य मार्ग पर सब्जी की दुकानों सहित व्यापारी अपनी किराना की दुकान खोलकर व्यापार करते हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बाजार में लोग घूमते नजर आए। इसी के साथ गुजरात बॉर्डर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर कुआं गांव, जहां पर लॉकडाउन की पूरी पालना की जा रही है, अभी भी यहां पर बाजार बंद है। गरियाता में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत गरियाता में अभी लॉकडाउन को पूरी तरह पालन करते हुए नजर आए लोग। अभी भी अपने आप को सुरक्षित घरों में बंद किए हुए हैं लोग। यही स्थिति डूंगरपुर शहर में नजर आई। शहर का नजारा देखने पर पता चला कि यहां पर लॉकडाउन की पूरी पालना की जा रही है। अभी यहां पर व्यापारी किराना की दुकान और सब्जी की दुकान, दूध डेयरी के अलावा मेडिकल की दुकानें खुली हैं। पूरे शहर को सील किया हुआ है। जगह जगह कॉलोनियों को लकड़ी के बांस से बंद किया हुआ है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मास्क पहनने की हिदायत भी दी जा रही है। नगरपालिका द्वारा जगह जगह पर सैनिटाइजर और हाथ धोने की टंकियां पानी से भरी हुई रखी गई हैं। अस्पताल परिसर में भी काफी कम मरीज और उनके परिजन नजर आए। ज्ञात रहे डूंगरपुर शहर स्वच्छता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल से मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी से निवेदन करता हूं कि जब तक लॉकडाउन का निर्देश दिया गया है, अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। आज भारत विकास परिषद सिमलवाड़ा और हेल्पिंग हैंड ग्रुप 84 द्वारा होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी का वितरण SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस कार्यालय व पुलिस के जवान, बार एसोसिएशन सिमलवाड़ा CHC सिमलवाड़ा में होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण किया गया और उसका उपयोग की जानकारी डॉक्टर प्रफुल्ल लबाना और डॉक्टर उखराज लबाना द्वारा दी गई। इस मौके पर दिनेश जी पंड्या, डायलाल डामोर, योगेश कलाल, विक्रांत सत्तावत, पृथ्वी सिंह चौहान और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी दवाई 4 टेबलेट दिन में 2 बार 3 दिन तक लेनी है। यह होम्योपैथिक दवाई शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कोरोना वायरस से लड़ने में सहायक है। आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक दवाई यह रोग प्रतिरोधक कारक क्षमता बढ़ाती है। इसका ट्रायल गुजरात सरकार ने पाटन और साबरकांठा जिले में किया है, जानकारी कीर्ति पंड्या ने दी। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल लबाना, भारत विकास परिषद शाखा सिमलवाड़ा व हेल्पिंग हैंड 84 की तरफ से आज होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक आल जो कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में कारगर मानी जा रही है, जिसे हमने हमारे कोरोना वॉरियर्स जो 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, जिनमें SDM साहब, तहसीलदार साहब, CI साहब व PSC CSC पे सभी कार्यरत डॉक्टर स्टाफ, जिन्हें आज वितरित की गई। दवाई किस प्रकार लेनी है उसके बारे में समझाया गया, दवाई की उपयोगिता बताई गई और इस टीम में डॉक्टर पुखराज लबाना, डायलाल जी डामोर, विक्रांत सत्तावत, दिनेश जी पंड्या, योगेश कलाल आदि पूरी टीम ने सहयोग दिया। व इसी तरह कोरोना से लड़ना है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। वंदे मातरम, जय भारत। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में संत श्री कल्पगिरी महाराज, सुशीलगिरी महाराज और उनके वाहन चालक की निर्मम तरीके से हत्या की पदयात्रा गुरु महंत देवी सिंह चौहान बनकोड़ावाड़ा ने घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कामना की। हनुमान मंदिर बनकोड़ावाड़ा में सुंदरकांड कर संतों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ आज्ञा दीजिए नमस्कार, कल फिर ताजा खबर के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।